पहले दिन नवरात्रे में एक माला का जाप करना है, दूसरे दिन दो माला, तीसरे दिन तीन माला, ऐसे करके पूरे नवरात्रे तक नौवें दिन में। राधे राधे, गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद आप सभी को। बाबा की असीम कृपा से चैत्र मास में, चैत्र की पूजा में अभी 9 तारीख से ग्रीष्म नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। इसमें आप लोगों को जो प्रति माह का अनुष्ठान होता है उसके अनुसार नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान लेना है। इसमें हमने गायत्री माता का अनुष्ठान 9 दिन का, षोडशोपचार से पूजन, यज्ञ, गायत्री सहस्त्रनाम, गायत्री कवच, गायत्री स्तोत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री माला मंत्र आदि कई सारे स्तोत्रों द्वारा गायत्री माँ का अनुष्ठान होगा। उसके साथ माँ का आराधना सुबह वैदिक मंत्रों, शास्त्र और पुराणों के अनुसार 16 उपचार से अर्चन, पूजन और वंदन होगी। इस अनुष्ठान में जो भी आप लोग भक्त लोग सहयोग लेना चाहते हैं, आप लोग अपना नाम, गोत्र सब ऑफिस में लिखवा दें और अपनी उपस्थिति फोन के द्वारा ऑफिस में, जैसे हर माह आप लोग नाम लिखवाते हैं, गोत्र लिखवाते हैं और उसका जो भेंट राशि होता है भेजते हैं, वैसे भेज करके और गायत्री जी के अनुष्ठान में सम्मिलित होइए। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। जो लोग इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे या नहीं भी सम्मिलित होंगे, सुनेंगे, उनके लिए जप का विधान बताते हैं हम। पहले दिन नवरात्रे में एक माला का जाप करना है, दूसरे दिन दो माला, तीसरे दिन तीन माला, ऐसे करके पूरे नवरात्रे तक नौवें दिन में 9 माला का जाप करना है, 10वें दिन 10 माला का जाप करके 10 महाविद्या का अनुष्ठान हो जाता है उसी में। इस प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उच्चारण पूर्वक गायत्री मंत्र का शुद्ध साफ शब्दों में उच्चारण करते हुए जाप करिए, माँ आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपके सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होगा। गुरुदेव की असीम कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसके बाद मैं नवरात्रि में जप करने के लिए इस बार कुछ साबर मंत्र को दूंगा, उसका भी जप करना है आप लोगों को, आपके कल्याण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। राधे राधे, श्री राधे, गुरु कृपा आशीर्वाद।